यही पूरा नाम है? जी बाप का नाम? फादर नहीं है मेरे। ओह सॉरी। ऐसी बात नहीं है, ही इज़ अलाइव, सिर्फ मेरी ज़िंदगी में नहीं है। नाम बताइए उनका। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपनी वालदा का नाम लिखवाना है। देखिए वो आपका पर्सनल मैटर है, मगर हमें लिखना पड़ेगा वल्दियत खाने में। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे उनका नाम नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके रिकॉर्ड में आपके बाप का नाम लिखा जाएगा। नाम बताइए। देखिए बीबी, जब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, उसी के थ्रू हम डेटा भिजवाते हैं। ये जो आपका आईडी कार्ड बनेगा ये उसी के थ्रू बनेगा, तो ऑलरेडी डिजाइंड है और वो वालिद या शौहर के नाम पे ही बनता है। तो आप मेरा केस अलहदा से मूव कर देना। आप केस अलग से कैसे मूव कर सकते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, अच्छी तरह जानती। मैंने आपको बताया है ना कि वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसमें ऑल्टरेशन नहीं हो सकती। तो क्या जिन बच्चों के बाप नहीं होते वो आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते? बाप तो होते हैं, जब भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा भी तो होता है, कुछ माओं को नहीं पता होता कि उनके बच्चों का बाप कौन है। रेप केस भी तो होता है ना, और इतनी फ्रॉड की शादियां होती हैं। देखें बीबी, उन बच्चों के केस अलग होते हैं, उनके साथ अब्दुल सत्तार ईदी जैसे अजीम लोगों का नाम जुड़ा होता है। और आपका केस तो आइडेंटिफाइड है, आपके पे फॉर्म में ये देखें नाम लिखा हुआ आपके फादर का, जरा खान। बे फॉर्म मेरी माँ ने बनवाया था, आईडी कार्ड मैं खुद इसीलिए बनवा रही हूँ। इज ही योर स्टेप फादर? नहीं नहीं, ही इज माय फादर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे आईडी कार्ड पे उनका नाम हो। चले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि बाप के खाने में लिख देते हैं ताजवर गनी, जो आपकी माँ का नाम है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है, मुझे अपने वालिद का नाम नहीं चाहिए, वालदा का नाम चाहिए। नाम निसा ताजवर, वालदा का नाम ताजवर गनी। अच्छा ऐसा करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन ड्रॉप कर दें और मुझे एड्रेस कर दीजिएगा, मैं अपने हाई ऑफिसर्स को भेजता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या जवाब आता है। आप पूछ लीजिएगा आके, ये लें। एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।